इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁴ कूलॉम मीटर ये पी दिया हुआ है इस डायपोल का. इस प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी मतलब दोनों ही चीजें वेक्टर है 2 × 10⁵ + 5 न्यूटन पर कूलॉम as shown in the figure. The angle between net electric field with external electric field E at point A. पहले आप net electric field का मतलब समझिए. देखिए यहाँ पे क्या होगा, point A पर एक electric field आ रही होगी dipole की वजह से, खुद dipole की वजह से आ रही होगी E dipole. और दूसरी electric field आ रही होगी जिस एनवायरमेंट में इसको रखा गया, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना. हम लोग जानते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन अगर है तो जो डायपोल की डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, उसके उल्टे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल की डायरेक्शन होगी. तो इसके उल्टे ये डायरेक्शन होगी, ठीक है. अब इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट का हमें एंगल निकालना है एक्सटर्नल फील्ड से. ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोल रहा है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल रहा है. चलो तो पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है, ई डाइपोल का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लें. ई डाइपोल का फॉर्मूला आप ही बताएंगे मुझे, बोलिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है. 1/4 πε₀ तो होना ही है, बोलिए. kp/r³. हाँ, वेरी गुड. आप k बोलते हैं, मैं 1/4 πε₀ बोलता हूँ. p/r³, kp/r³ बोल सकते हैं अगर आप इसे k बोलते हैं. ये 9 × 10⁹ हो गया. पी आपको दिया गया है 6 × 10⁻⁴. आर आपको दिया गया है भाई, आर ये आर इज इक्वल टू 3 मीटर क्वेश्चन में दिया गया. तो 3³ = 27 है ना. तो 9 × 27 को काटेगा 3 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है. सो दिस इज 2 × 10⁵. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, ये भी होगी न्यूटन पर कूलॉम, बिल्कुल इसी तरह. तो अब आप देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम, ये इस डायरेक्शन में है. दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका भी बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड है, केवल डायरेक्शन अलग है. ई डाइपोल जो है वो भी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम है. तो यार दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा 45 डिग्री पे. अब ये 45 डिग्री किससे बन रहा है, दी एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट किसका किसका, इन दोनों का. द एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 45 डिग्री, ठीक है. अब यार वैसे अगर आप ये करना चाहते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू e बाई परपेंडिकुलर जो है, अगर इसको आप थीटा बनाते तो ये परपेंडिकुलर हो जाता e डाइपोल डिवाइडेड बाई e. फिर ये आता 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁵, फिर ये 1 आता. आप बोलते हैं tan थीटा 1 है तो थीटा 45 डिग्री. तो ये तो बच्चों वाला काम है, आपको जब बताई है कि यार इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो 45 डिग्री पे रिजल्टेंट आएगा. तो ये पेन लेने की जरूरत नहीं है आपको. तो आपका आंसर आ गया 45 डिग्री, ऑप्शन 1 इसका है.